चंदवारा प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने तथा अन्य जन समस्याओं के सवाल पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने 20 दिसंबर को चंदवारा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरने का आयोजन दिया। इसकी अध्यक्षता बड़की धमराय सरयू प्रसाद वर्मा व संचालन चंदवारा पश्चिमी मुखिया संतोष कुमार कुशवाहा ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष रामधन यादव ने विभिन्न बातें लोगों के समक्ष रखी। सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता जयकांत कुमार की तरफ, जो दिखा रहे हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं जयकांत कुमार, आप सुन चुके हैं ऑनलाइन भारत के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदवारा प्रखंड के अंचल कार्यालय में, जहाँ एक दिवसीय महाधरना को लेकर आज धरना प्रदर्शन हुआ है। कई रास्ते किस चीज़ से लेकर धरना प्रदर्शन आज यहाँ 20 दिसंबर को किसान के मामले में लेकर, इसलिए कि कोरबा जिला में, पूरे झारखंड में हर जिले में कहीं ना कहीं सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया है। मेरे जिले में 6 प्रखंड है और उसमें से 5 प्रखंड को किया गया और शौचालय व्यवहार किया गया है चंदवारा प्रखंड का। इसलिए सारे प्रतिनिधि, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वार्ड हो, और सारे जनप्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि हो, सारे और जनता यहाँ लेकर हम लोग समस्या लेकर आए हैं कि सुखाड़ घोषित किया जाए। अगर अन्यथा अगर सुखाड़ घोषित 10 दिनों के अंदर फिर सर्वेक्षण करा के और किसी प्रकार के यहाँ के डीसी के द्वारा, वीडियो साहब के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, तो हम लोग जन आंदोलन इससे बड़ा करेंगे और तालाबंदी करेंगे। इसमें और भी समस्या है, प्रखंड अंचल में जो गड़बड़ी है, मोटेशन का गड़बड़ी हो किसी प्रकार है, बिना पैसे लिया नहीं किया जाता है, जो सबसे बड़ा गड़बड़ी है। और जो जनता यहाँ घूमती है सालों साल, वो कार्ड के लिए 2 साल तक यहाँ घूम रहा है जनता, वो महिला हो या पुरुष हो, उसमें भी गड़बड़ी है, जिससे पैसा लिया जाता है एवं उसी काम करता है और DSO साहब, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और 11 सूत्री मांग लेके हम लोग आज यहाँ पे धरना दिए हुए हैं एक दिवसीय। और अगर गड़बड़ी 11 मांग सूत्री में नहीं हुआ और मुख्य सुखाड़ नहीं घोषित किया गया चंदवारा प्रखंड, तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, उसका सारा जवाब दे यहाँ के पदाधिकारी। जी, धन्यवाद।